हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बिल्कुल फटाफट से बनने वाली आलू पालक की सब्जी। तो चलिए बिना देरी के हम रेसिपी को शुरू करते हैं। कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। जब तेल गर्म हो जाए तो जीरा, तेजपत्ता और सूखी मिर्च डाल देंगे। और जीरा जब चटक जाए तो 8 से 9 बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे। लहसुन से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। जब लहसुन अच्छा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाए तब हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज का प्याज। अब प्याज को बारीक काटे या इस तरह से लंबाई में काटे, किसी भी तरह से काट सकते हैं। आप चाहे तो बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया है। कोई भी चीज़ हमें पीस कर नहीं डालना है, तो इसलिए सब्जी बिल्कुल फटाफट से बनेगी और सबके लिए ये बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस ये सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा पिंक पिंक सा हो जाए तब हम डाल देंगे सूखे मसाले। तो हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। मीडियम फ्लेम पे मसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अब डाल देंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर, इस तरह से मैंने काट लिया है। टमाटर डालने के बाद 1/4 टीस्पून के लगभग हम डाल देंगे इसमें नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। अब कुछ देर के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 किलो के लगभग पालक लिया है, जिसका जड़ काट के मैंने हटा के अच्छे से वॉश कर लिया है। इस तरह से वॉश करना आसान होता है। और अब मैं इसे बारीक काट लूंगी। तब तक यहाँ पे हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ज्यादा हमें अभी इसे गलाना नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज का आलू। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, इसलिए सब्जी काफ़ी जल्दी और फटाफट से बनती है। आलू को पकाने का कोई भी झंझट नहीं है। आप चाहे तो कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बॉईल्ड आलू का इस्तेमाल किया है। और बस मीडियम फ्लेम पे बिना ढके हम अच्छे से कुछ देर भून लेंगे आलूओं को मसालों के साथ, ताकि आलू पे अच्छा सा क्रस्ट आ जाए, हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम अच्छे से आलूओं को भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी में मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही सिंपल सी सब्जी है, आसान है, फटाफट से बनती है और आप इसे रोज़ के खाने में बना सकते हैं, और हेल्दी तो है ही। तो 1 से 2 मिनट आलू को भून लिया, उसके बाद मैंने पालक डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो पालक गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ ही देर में ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे और इसके बाद देखिएगा कि पालक अपने आप हल्का सा श्रिंक होने लगा है। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से वाटर रिलीज करे और बिल्कुल फटाफट से ये गल जाए। यहाँ पे स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे नमक। अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुछ देर के लिए इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे पालक से पानी हल्का हल्का रिलीज हो गया है। तो अगर आपको ये सब्जी लटपटी सी रखनी है तो इस टाइम पे आप गैस बंद कर दें, पर मुझे इसे ड्राई ड्राई करना था तो हाई फ्लेम पे मैंने सारे पानी को सुखाना है। तो 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, सारे पानी सूख जाएगा।
तो यहाँ पे हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। आप चाहे तो हरा धनिया भी ऊपर से डाल सकते हैं। एक से दो हरी मिर्च मैंने डाल दिया है ताकि इसका खुशबू और इसका फ्लेवर सब्जी में बना रहे। तो सब्जी हमारी बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी या पराठे किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।